आज उर्दू के नामवर अदीब, अफसाना और ड्रामा निगार, दानिश्वर, ब्रॉडकास्टर और सूफी जनाब इश्फाक अहमद की 17वीं बरसी है। मारूफ मुसानिफ इश्फाक अहमद 22 अगस्त 1925 को जिला फिरोजपुर में पैदा हुए। उन्होंने दयाल सिंह और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तदरीस के फराइज अंजाम दिए। वो 1967 में मरकजी उर्दू बोर्ड के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। सदर जनरल जियाउल हक के दौर में वफाकी वजारत तालीम के मुशीर भी मुकर्रर किए गए। इश्फाक अहमद इन नामवर अदीबों में शामिल हैं जो क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद अदबी उफक पर नुमाया हुए। 1953 में इनका अफसाना गडरिया उनकी शोहरत का बायस बना। आप दास्तान गो और लैलो नहार नामी रिसालों के मदीर भी रहे। 1965 से उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर एक हफ्तावार फीचर प्रोग्राम तलकीन शाह के नाम से करना शुरू किया। इश्फाक अहमद की तसानीफ में एक मोहब्बत सो अफसाने, उजले फूल, सफर दर सफर, खेल कहानी, एक मोहब्बत सो ड्रामे और तोता कहानी जैसे बेहतरीन शाहकार शामिल हैं। एक अरसे तक उन्होंने PTV पर जाविया के नाम से प्रोग्राम किया जो दानाई और हिकमत की बातों पर मबनी था। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज के एजाजात अदा किए। सूफी मिजाज के हामिल इश्फाक अहमद 7 सितंबर 2004 को वफात पा गए। लाहौर में आसूदा खाक हैं। इश्फाक अहमद की बातें और हिकायात हमेशा उनके मद्दाहों के लिए मशले राह रहेंगी और उनकी याद दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।